कैसा लगा सरप्राइज? अब ऐसा थोड़ी हर किसी को देते रहोगे आप, मतलब जो मेरी रियलिटी है ना, जो मेरी पूरी जर्नी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आ बेटी आ जाओ आ जाओ। अबे अबे भाई। हाँ जी भाई लोग, क्या हाल है आप सबके, और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज अमित भाई और मैं जा रहे हैं भाई गुड़गांव थोड़ा सा काम से। क्या हो गया? कड़ी चावल खाओ। भाभी ने बनाया कड़ी चावल, कह रही है खा के जाओ। अब ना मेरा मन है, पैक करके लेके जाओ। सुनो, ना इनका मन है ना मेरा मन है 1% भी खाने का। क्यों बनाए थे बाबू? और ये टावल किसने टांग रखी है यहाँ पे गेट पे? भाई मैं अभी नहा के आया था, आई एम सॉरी। लो चुन्नी ओढ़ लो। ओढ़नी ओढ़ के नाचू, ओढ़नी और नाचू, ओढ़नी ओढ़ के यार के दिल परदेसी हो गया। और भाई रेडी हो चुके हैं हम, अब निकलते हैं घर से। चलो भाई रात तक चलो भाई भाई चलो। अरे हट जाओ साइड में यार, क्या है? सुनो गेट लगा लेना ढंग से, और कोई आए यूं कह के मैं अमित खोल दूंगी। अमित विनय का फ्रेंड हूँ तो गेट नहीं खोलना। यूं कह के किसी ने लड्डू भिजवाए तो भी मत खोलना। अरे खोल दूंगी, समझदारी दिखाना थोड़ी भाई। और कोई नाम उल्टा सीधा बोले बोले अमित चौधरी ने, अमित चौधरी रहता है यहाँ पे, तो भी मत खोलना। जानबूझ के गलत नाम में बोलते हैं ये। देखो ये मेंटल ऐसे होते हैं, देख लो यार। एक तो जाना भी इतनी दूर है ना, अब गाड़ी या तो अमित भाई चलाएंगे हमें। भाई गाड़ी चला लोगे इतनी दूर? भाई बिल्कुल चला लेंगे। और हम निकल चुके हैं घर से, और आज हम जा रहे हैं भाई पॉडकास्ट के लिए एक अपने परम भाई है गुड़गांव में, उनके पास। तो ये व्लॉग पूरा देखना ठीक है। और फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं अपने परम भाई के पास, जिनके साथ करना है पॉडकास्ट। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया भाई, बहुत लंबा टाइम लगा दिया पॉडकास्ट करने के लिए। देखो इन्होंने मुझे बहुत टाइम इनवाइट करा, पर मैं हर बार ना थोड़ी सी गोली फिट कर देता था। मतलब सच में बिजी होता था भाई। गोली का मतलब तो देखो सच नहीं हुआ यार, है ना। गोली तो मतलब गोली है भाई सबसे। और भाई गोली नहीं थी, वो गोला था साला, बम का गोला था भाई। परम भाई वैसे देखो आप मुझे ज्यादा अच्छे लगते नहीं हो, पर आपका स्टूडियो देख के ना भाई इतना बेइज्जती वाली बात कर रही यार, भाई यार। इतना क्लासी स्टूडियो कर रखा है इन्होंने। मतलब मैं पहले सोचता था कि भाई मैं अपना रूम ना थोड़ा जब एडिटिंग वगैरह के लिए इतना सेटअप करूंगा, पर यार हमारा मन ही नहीं करा। पर यहाँ पे इतनी बढ़िया वाइब आ रही है ना, देखो एक बार। ए भाई अंदर भी दिखाओ ना, अंदर भी दिखाओ। मैं अपने हिसाब से दिखा दूंगा, ज्यादा ना जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। ये देखो बताओ मेरे से पंगे ले रहे हैं मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है भाई आज मेरा रोस्ट होने वाला हूँ यार, कसम से आज। तो भाई लोग ये जब पॉडकास्ट लाइव हो जाएगा तो बाद में मैं अपनी वीडियोस में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत मजेदार होने वाला है। तो मतलब पूरी इसमें आपको मेरी जर्नी देखने को कि भाई कैसे हमने स्टार्ट करा था, अमित भाई और मेरी कितनी मेहनत थी, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लड़कियों के बारे में बता दो ना। लड़कियों के बारे में ये हम सीधे साधे आदमी ऐसी बातें नहीं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉडकास्ट, और मिलता हूँ थोड़ी देर में अंदर। भाई उसका पॉडकास्ट स्टार्ट हो गया है, मैं बाहर से दिखाता रहूंगा तुम्हें। ये देखो सेटिंगें चल रही हैं, अभी कैमरे की सेटिंग चल रही है। इसको बस ऑडियो तुम्हें क्लियर ही आएगी। देखो वहाँ पे बात कर रहे हैं, आवाज यहाँ पे आ रही है। मेरे लिए तो मैं तो YouTube को भाई मतलब मैं तो पूजा भी करता हूँ YouTube की। अब ऐसा थोड़ी हर किसी को देते रहोगे आप, बंदा भी तो देख के दोगे। खत्म हो गया ना फिर? कैसा रहा पॉडकास्ट भाई? पॉडकास्ट हो चुका है खत्म, और हमने कम से कम 1.5-2 घंटे बातें करी, बहुत बढ़िया रहा साहब। ये सारी बातें आपको पूरी जर्नी देखने को मिल जाएगी, बाद में देख लेना मैं बता दूंगा। चैनल का नाम भी तो बता रहा हूँ, इनका चैनल का नाम है परम चौधरी। तेरी की जहाँ पॉडकास्ट दिलाया चैनल का नाम ही नहीं बता। बी यू विद परम पे पॉडकास्ट आएगा, और हम इसको डालेंगे 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते बाद आ जाएगा बी यू विद परम। और अरे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बेस्ट है ठीक है। तो सारे वो रिपोर्ट कर देना इस चैनल को। सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब करना भाई यार। बहुत मजा आया यार, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी हमने, बहुत सही लगा। मतलब मजा आएगा आपको देखने में, मतलब जो मेरी रियलिटी है ना, जो मेरी पूरी जर्नी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बहुत मस्ती करी हम लोगों ने यार, मजेदार फन पॉडकास्ट था यार आज का वैसे। हाँ, जेन्युइनली बढ़िया। हाँ। और अमित भाई साहब हमारे 1.5 घंटे से बाहर बैठे हुए थे। बोर तो नहीं हुए? नहीं है? नहीं, चाय कॉफी आ गई थी टाइम से? ना कुछ भी नहीं आया भाई। परम भाई ये क्या है, ये क्या करवा रहे हो तुम ये? और दारू आई थी या नहीं? दारू तो आ गई थी? नहीं आई थी भाई। पहला पॉडकास्ट बंदे ने दारू पी के किया जिसका, कह रहा कि मैं बिना नशे के बोल ही नहीं पाऊंगा। देख रहे हो बातें, ये ऐसी बातें तब होती हैं जब एक देख 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 करूं कुछ दिल। जब एक जैसे मिलते हैं ना तब होती है ऐसी बातें, पर मजेदार यार, मजा आ गया। और सबसे तगड़ा तो भाई मुझे ना स्टूडियो लगा बढ़िया सच्ची। कितने पैसे लग गए थे इसमें भाई? इसमें लगे थे 40,000 बस, लाख।
बंदे ने रुकी बोला 40 लाख। और अभी हम जा रहे हैं भाई रिंकी दीदी के घर, हमने सोचा उन्हें जाके सरप्राइज करते हैं, अभी घर जाने का मन नहीं था और दीदी का घर भी पास में है, तो मैंने अभी उन्हें कॉल करी, ऐसे पूछा मैंने कहा हो, कहती घर पे है, मैंने अच्छा घर पे हो, मुझे लगा गांव गई हुई हो, कहती नहीं नहीं है, मैंने कहा अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अब सीधा पहुंचते हैं उनके घर और उन्हें देते हैं सरप्राइज। सरप्राइज और ये मैं कैमरा पकड़ने के लिए हूँ इधर की साइड से। अमित भाई का एंगल बढ़िया आता है, तो मस्त व्लॉग बना रहे हैं आज, मस्त एकदम, चले फुल व्लॉगिंग। देखो भाई कार कहाँ फंस गई हमारी, रोड देखो ओ भाई, ओहो आराम से ये शीशा ना तोड़ दे, रोड देखो जरा कितने देखो, कितने बुरे हाल है रोड के, आगे देखो गड्ढे, ये देखो गड्ढा, ओ भाई साहब स्कॉर्पियो लेने का कुछ तो फायदे। एक तो पता नहीं, एक ना ये हम दीदी के यहाँ जा रहे हैं और मैप ने ऐसा रूट दिखाया है अपना अलग ही, मतलब हाईवे पे ट्रैफिक दिखा रहा था थोड़ा रास्ता, अब पता नहीं किसी गांव वाँव से होके गलियों से होते हुए इतने गड्ढे अलग अलग से लोग दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पहुंचा दिया यार। अब मस्त अपना भाई दिखे कुछ हुक्का लगा रखा है घर के बाहर, मस्त हुक्का पी रहे हैं, हाँ कुछ भाइयों ने हुक्का लगा रखा घर के बाहर, देसी माहौल दिख रहा है यहाँ पे, बढ़िया एकदम बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और हम पहुंच गए गेट के बाहर। ये अरे हे नमस्ते मामू, नमस्ते, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, अंधेरा क्यों कर रखा है, अंधेरा क्यों कर रखा भाई, क्या बात है भाई, कैसा लगा सरप्राइज? सच में बहुत अच्छा। अच्छा पैर, अबे नहीं पैर मत छू, नहीं क्या बात है, क्या अरे भाई यार अंधेरा करके क्यों बैठे थे, अरे अंधेरा नहीं कर रखा था, वैसे ही लाइट जला रखी थी। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत ज्यादा। अरे हम गुड़गांव गए थे काम से। अच्छा, तुम्हारा घर पास में था, मैंने कहा चलो भाई रिंकी जी से भी मिलते हुए चले, इतनी खुशी हो रही है पूछो मत। गाड़ी लगाई सामने गली में, पहले मैंने सोचा फोन करूं, मैं चल पहले ऊपर पहुंच जाए उसके बाद देख लेंगे, तू भी दे रहे तेरा, वेरी गुड, लग रहा है सपना देख रहा हूं, सपना देख रहा हूं, इस सपने से बाहर आओ। और दीदी के लिए भाई सेब लेके आए थे हम, और मैंने बोला सेब ही काट दो, वही सेब काटे जा रहे हैं, और दीदी ने अभी बताया कि ये लोग सेब और केले वेले ही लेने जाने वाले थे, जा ही रहे थे, बस अगर तुम अभी 5 मिनट नहीं आते ना तो हम उठ के जा रहे थे लेने के लिए, तो मैं इनसे कह रहा था, मैंने कॉल ही कर देती और कुछ लाना होता था, मुझे पता था तू आ रहा है, याद बात नहीं आती हमारी, आती है तो आती क्यों नहीं हो घर, आपके रोज रोज आ जाओ, अभी तो आई कुछ दिन पहले, आ जाए करो ऐसे यार, हम बोर होते रहते हैं, मन नहीं लगता हमारा, सही है बढ़िया, सुन तो लो थोड़ा सा कंटेंट भी बन जाता है, पेपर चल रहे हैं, अरे बच्चों के पेपर हो गया, छड़वा दो छड़वा दो, आज तक काम आई है किसी की पढ़ाई, भाई साहब आई है सर आईपीएस बनेंगे, नौकरी बिना ठाकुर के भांजे आई है सर आईपीएस। चलो भाई मैं तो विश करूंगा बन जाए एकदम मस्त, आईपीएस और आईएएस कौन बनेगा तुम दोनों में से, मैं, तू क्या बनेगा, आईएएस, और तू, मैं आईएएस, अरे वाह, मतलब एक ही बात है हमारे, आती देखो इन्होंने अपने सारे खिलौने निकाल लिए, कल एग्जाम है ना बेटा, परसों, ये देखो ये बेवलेड वेवलेड, ये देखो, अरे वाह, ये हमें देख के ना बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड कि सारे गिफ्ट निकाल लिए हैं, ऐसी कौन सी एक्साइटमेंट होती है हमें देख के, मुझको बहुत मजा आता है आपके साथ। क्यों मजा आ गया, मैं क्या कोई मजा दिलाता हूँ तुझे? हाँ। कैसे? वैसे भी दिलाते हो और व्लॉग, और जो व्लॉग देखते हो उनको तो पता ही है आप मजा दिलाते हो। तेज हो रहे हैं तुम्हारे बच्चे, समझा लो इन्हें। हाँ, जब मैं छोटा था ना इतनी सुंदर लगा करती थी ये कार दीदी मुझे, अमित भैया दिलवा दिया करते थे अपनी सेविंग से मुझे। कौन सी वाली सेविंग? गुल्लक में से पैसे निकालने वाली। गुल्लक में से पैसे वाली। तो अमित भैया ने कभी मेरे सपनों को अधूरा नहीं रहने दिया, जब पैसे नहीं थे और ऐसे शौक थे तो अमित भैया चोरी करके कर देते थे काम। मैंने सोचा अपना बचपन का एक शौक पूरा कर लेता हूँ, गाड़ी चला लेता हूँ, ये गाड़ी स्पेशल है ऐसे नहीं है कोई भाई। अरे भाई हमने बना दिया ये फ्लाई ओवर, चढ़ा, अरे पुल टूट गया भाई, फ्लाई ओवर टूट गया। हमारे फ्लाई ओवर का काम किसी सरकारी ऑफिसर को दे दिया था, हमने कमीशन खा लिया, हमारा फ्लाई ओवर टूट गया। दोबारा बनाओ इसको, अब इस फ्लाई ओवर को हम मजबूत बनाएंगे और दोबारा कोशिश करेंगे, और देख सकते हैं हमारी मेहनती लेबर लगी हुई है इसमें, छोटी छोटी अंडर एज लेबर लगी। इसीलिए तो पुल टूट गया।
पुल टूट गया था, ये देख सकते हैं आप। इस बार हमने कॉन्क्रीट यूज करी है, सारे जो जो लोहे के पिलर विलर सरिया वरिया सारी चीजें डाली है फ्लाईओवर में, सारी डाली है। तो इस बार देखते हैं, चलो भाई चल। अबे यार फ्लाईओवर मजबूत है भाई, टूटी नहीं रहा। क्या बजे जा रहा है इसमें भाई, हमारे ड्राइवर साहब नाराज हो गए, कार नहीं चल रही इन पे। आज के बाद मैं कभी किसी कार को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक सेकंड, वाओ इस वाली को लगाऊंगा, एक बार इसे और देखें। यहाँ से नीचे उतार देते हैं। ठीक है नीचे उतार दो भाई, इतना तो कर ही दो। अब नीचे उतार देते हैं, ठीक है नीचे उतार दो। ओ बहुत बढ़िया, रिंकी दी के घर में आतंकवादी आ चुके हैं, बहुत तगड़े। कहाँ रह गए? ओ भाई, एक छोटा आतंकवादी कहाँ रह गया? कहाँ भाग रहा? ये आतंकवादी नहीं है, अभी ये ट्रेनिंग पे। अच्छा। इसका पिछवाड़ा बहुत लीक करता है कपड़ों में स्कूल के, बंद कर दूँ। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। रेस्टोरेंट, खाना खाने। क्यों खाना क्यों खाते हैं हम? क्योंकि जरूरी होता है। जरूरी होता है खाना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई डिनर पे, तीन भूखे इंतजार कर रहे हैं खाने का, लेकिन आके नहीं दे रहा खाना। प्लेट चाट लो, प्लेट। हवा खा रहा हूँ, हवा। वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। छोटू कैसी लग रही है हवा? बहुत अच्छी। अरे थैंक यू सर, आप ले आए, भूख लग रही थी बहुत। थैंक यू। और यार खाना खा के मजा आ गया, लेकिन अब टाइम हो गया भाई बच्चों को टाटा बाय बाय बोलने का। तो बच्चों ये लो छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। अरे रुक तो जाओ यार, ये ले बेटा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। और पार्टी के मम्मी को नहीं दिखाना, ठीक है? अरे यार ये कम सुधरेंगी, ये वो जो दीदी होती है ना घरों में, जीजी ना दीदी ना। अब हम चलते हैं भाई घर, चलो बच्चों चलो भाई, चलो भाई बाय। मामू आ जाए करो। क्यों, हम पे यही काम है, आ जाए करें हैं। चलो भाई अब चलते हैं घर। हाँ चलो। और हम पहुंच चुके हैं घर। क्या हो रहा है आज? तो अभी मजे आ गए होंगे बिना अमित भाई के, हैं? नहीं, मैंने याद आई थी मेरे बाबू की। याद आई थी याद ना करते हैं? और तो मैं याद आई नहीं आई मेरी, भी याद आ रही दोनों की बहुत। हम तो यू कहते घर में कोई काम ही नहीं लग रहा, कुछ काम ही ना लग रहा, दोनों छुट्टी गए। हाँ हमने तो बड़ा नौकरानी बना रखा है, दोनों को भी काम नहीं लग रहे हैं। अरे काम ना मतलब कुछ लग रहा है भाई। हाँ सुना सुना बोलो ना। चलो भाई अब मिलते हैं सीधा सुबह। गुड मॉर्निंग भाई लोग, और अमित भाई में आए थे भाई सुबह सुबह जिम, और आज जिम में आते यार इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसा मन कर रहा है यहीं सो जाऊँ मैं। ये कर रहे हैं स्ट्रेचिंग भाई साहब। ये डांस कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो? इतनी बढ़िया नींद आ रही है ना, मन कर रहा है ऐसे तो लेट जाऊँ मस्त सो जाऊँगा। अब यार नींद को भुला के वर्कआउट करते हैं स्टार्ट। ये हमारे कोच साहब हैं, देख सकते हैं आप, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। यू कह रहे हैं वर्कआउट वर्कआउट में कुछ नहीं, दारू पी लो। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया कोच है, यूँ कह रहे हैं मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना जिम नहीं आते तो। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये हमारे अंकल जी हैं, अंकल जी से आप मिले हुए पहले। अंकल जी के आप यकीन नहीं करोगे, इस एज में कम से कम 5-6 गर्लफ्रेंड हैं, है ना? और वर्कआउट के बाद भाई आ चुके हैं हम घर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? दूध पिलाया पिल्लों को। पिल्लों को दूध पिलाया हूँ? हाँ। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? बढ़िया। मौज आ रही है? मस्त। कितनी मौज आ रही है? बहुत ज्यादा। लो भाई मम्मी ने काम दे दिया, पिल्लों को दूध पिला के आना है। आ बेटी आ जाओ, आ जाओ, अबे अबे आ जाओ, आ जाओ, अबे अबे भाई आराम से। अभी इंजरी हो जाती है एक के। शाबाश। पियो पियो। इतने एक्साइटेड हो जाते हैं पिल्ले, अभी एक के इंजरी हो जाती है वहां जाके गिरा इतनी बुरी तरह। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब भाई ऐसे ही आपको अलग अलग तरीके के व्लॉग दिखेंगे, बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखेंगी, तो प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करना सारे, शेयर करना हर जगह लोगों को, ठीक है? लव यू सबको, रोम रोम जी।